सुल्तान जो है ना, अब उसका दिल भर चुका है असरा से, क्योंकि अब उसको एक चीज़ मालूम हो चुकी है कि भाई असरा को जितना मैंने लूटना था वो सो लूट लिया। और अब जो है ना, इसके घर वाले जो है ना, वो मुझ पर कोई ना कोई बात कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अब असरा से जो है ना जान छुड़वाना चाहता है। पहले वो इसको पागल मशहूर करेगा, फिर साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएगा, फिर उसको ये चीज़ का एहसास दिलाएगा कि तुम ना वाकई ज़हनी मरीज़ बन चुकी हो। ड्रामा में हम देखेंगे कि यहाँ पर वो अपनी फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे ये बात करता रहेगा कि भाई मैं जो हूँ ना वो अब तंग आ चुका हूँ और मैं किसी भी पागल लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यहाँ पर फौरी तौर पर राज खुलेगा परीज़े का, और परीज़े जो है ना वो अपना राज सबसे पहले खोलेगी असरा के सामने, और असरा की जो है ना वो ज़हनी कैफियत इस तरह की बनाई होगी कि वो जो है ना ख़ुद भी अपनी बातों पर यकीन नहीं कर पाएगी। सुल्तान बड़े अच्छे तरीके से जो है ना असरा को धोखा दे देगा और फिर शादी करना चाहेगा चांदनी के साथ, क्योंकि